हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो मैं, मेरा नाम है टोटल गोपीनाथ दास और इस्कॉन में हरि नाम और वैष्णव दीक्षा भी है। हमारे गुरु महाराज वृंदावन में रहते हैं, इसे वेरी सीनियर प्रभुपाद डिसाइपल और बहुत फेमस हैं। और मैं एक्चुअली एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं शेख जॉस्की बहुत सालों से, और मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी भी हूँ मैं विजिटिंग। तो आज हम लोग एक नया सेशन, एक लेक्चर सेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि की लेक्चर बहुत होते रहते हैं एंड लोगों की क्वेरी होती है और पूछते नहीं है। तो हम लोग एक हमारे पास एक वो माया टीवी के रिपोर्टर आए हुए हैं, वो कुछ सवाल पूछेंगे और मैं कोशिश करूंगा उनकी जवाब देने की। और जिनको भी कोई प्रश्न है, एक 15-20 मिनट तक करेंगे हम लोग, उसके बाद में किसी को कुछ प्रश्न है तो आप ये पेपर दिए जा रहे हैं, आप उसमें अपने प्रश्न लिख सकते हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं आप उसमें लिखिए और हमको दीजिए, हम उनको कोशिश करेंगे रिस्पॉन्ड करने की। और मेरे से नहीं होगा तो ये टेम्पल के इंचार्ज है, यही करेंगे, नहीं तो वहाँ पे और सीनियर डिवोटी हैं साक्षी केशव एंड हरि गोपीनाथ, वो लोग आपका आंसर करेंगे। तो यू कैन आस्क, जो भी आपके मन में प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो वी विल गो ओम ज्ञान के महानंदस्य ज्ञानांजन शला के चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापनमेन भूतले स्वयं रूप करामयेन नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। तो हमारे साथ माया टीवी के रिपोर्टर हैं और उनका नाम है रविंद्र जी, वो बड़े डिफिकल्ट सवाल पूछने वाले हैं, तो मेरे से जो बनेगा मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर दूसरे लोग हैं जो बताएंगे। ठीक, माया टीवी के आज के इस प्रसारण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज मैं प्रभु जी को, जो कि इस्कॉन के बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत एक संस्था है जो आध्यात्मिक प्रगति में सबका सबको वो आत्मसात करने के लिए वो प्रेरित करती है। तो सीनियर डिवोटी हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अमल कांति सेन जी, तोता गोपीनाथ प्रभु के नाम से जानते हैं। आज प्रभु जी से मैं वो सारे सवाल करने वाला हूं जो आप सबके मन में, आप सबके मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आते हैं, लेकिन होता यह है कि हम अपनी किसी जिज्ञासा होने के बावजूद भी हम पूछ नहीं पाते हैं संकोच के कारण। प्रभु जी, मेरा पहला प्रश्न जनता की तरफ से ये है कि हम शास्त्रों पुराणों आध्यात्मिक जो स्क्रिप्चर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, ये तो प्राचीन हो चुके हैं, आज के वर्तमान समय में ये कालजयी रहे कहाँ, तो इनकी चर्चा क्यों जाती है? जबकि हम आधुनिकता के परिवेश में हम पल रहे हैं तो हमको सारी चीजें वो चाहिए जो कि उसमें कहीं निहित नहीं होती हैं, तो इसका क्या योगदान है? अरे ये जो है ना, बहुत क्वेश्चन बहुत कॉमन है और पर्टिकुलरली जो दूसरे फेथ के हैं, जैसे क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स हैं, उनका ये बड़ा आर्ग्यूमेंट रहता है कि ये जो वैदिक नॉलेज है पुराना हो गया, अब नया नॉलेज हमारा है, नए प्रॉफिट आ गए तो उसको फॉलो करो, वो सब कोई बेकार है। तो अब ये जो नॉलेज है भगवद गीता का, वेदों का, ये नॉलेज हैज़ कम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। भगवान जो है समस्त अखंड लोकों के मालिक हैं, उन्होंने ये नॉलेज नारायण के रूप में भागवतम में दिया होता, वेद व्यास जी को दिया था, ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया, नारद जी ने वेद व्यास को दिया। तो ये नॉलेज बहुत पुराना है और समय के साथ जैसे नॉलेज थोड़ा डिटेरियरेट हो जाता है, फिर नए तरीके से, जैसे अब ये भगवद्गीता का नॉलेज है, ये भगवान ने, भगवान कृष्ण ने सन विवस्वान, सन गॉड, सन के जो देवता हैं, उनको 20 लाख साल पहले बताया था। फिर समय के साथ वो नॉलेज लुप्त हो गया, तो फिर 5 साल पहले फिर उन्होंने कृष्ण को कुरुक्षेत्र में फिर वही नॉलेज और बताया। ठीक है, तो ये नॉलेज पुराना है, इसका मतलब नहीं है कि ये इसका वैलिड नहीं है, क्योंकि भगवान से आ रहा है। तो ये तो जब से सृष्टि का क्रिएशन हुआ है तब से ये नॉलेज है, और जब तक सृष्टि चलेगी और सृष्टि के अंत तक यही नॉलेज रहेगा।
ये आप अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा, पर्टिकुलरली जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र बिना पढ़े आपको नहीं पता चलेगा। और आपको समझना चाहिए कि शास्त्र जो है मतलब वेदास वेदांत, हाँ महाभारत, उसके बाद में उपनिषद, उसके बाद में पुराण, 18 पुराण और महाभारत और रामायण, ये जो है वर्ड ऑफ गॉड है, ये भगवान की वाणी है, ये भगवान की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। बस यही है कि ज्ञान के बाद लुप्त हो जाता है। फिर ने भगवान ने जैसे 5-6 साल पहले अर्जुन को फिर कहा, इसके पहले विवस्वान को 20 लाख साल पहले कहा, पर वही चीज़ कोई चीज़ नहीं। तो ये ज्ञान पुराना हो सकता है पर ज्ञान जो है भगवान का दिया हुआ है, ये कभी भी डिविएट नहीं होता और बिल्कुल सेम रहता है। इसलिए पुराने और नए से कुछ भी नहीं होता, जो नए ज्ञान आते हैं वो थोड़े पार्ट ऑफ दिस ओवरऑल जो वेदास हैं उसके कुछ कुछ पार्ट रहते हैं जो क्रिश्चियनिटी में है या इस्लाम में है, पर पुराना नॉलेज इज द फैक्ट नॉलेज। ये तो बात समझ में आई कि ये पुराना नॉलेज है और भगवान के द्वारा दिया गया है। अब जहाँ तक नॉलेज की बात होती है तो मेरा अगला प्रश्न ये है प्रभु कि इस नॉलेज का आज के युग में, कलयुग में क्या प्रसंग है, मतलब क्या उपयोग है? क्योंकि क्या इससे नौकरी मिल जाएगी? क्या क्या किसी को जो जो दूसरी एजुकेशन उससे तो नौकरी उनकी जीविकोपार्जन का साधन बनता है, इस नॉलेज से क्या ऐसा मिलेगा हमको जिसको लेना बहुत ही सबके लिए आवश्यक होता है जैसा कि आप सभी कहते हैं, तो ऐसा क्यों है? ये सवाल जो बहुत कॉमन पूछा जाता है कि आप लोग जब करते हैं और मंदिर में मंगला करते हैं ऐसे आपको क्या नौकरी मिल जाएगी, आपको क्या मिल जाएगा, ऐसा सब बोलते हैं। पर एक चीज़ हमको समझना है कि जो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो है मनुष्य की क्वालिटी बढ़ाता है, उसकी हैप्पीनेस बढ़ाता है। जब भी वो जप करता है, मंगला में आता है, तो वो उसकी मतलब ह्यूमन क्वालिटी बढ़ जाती है। तो उसका नशा छूट जाता है, बैड हैबिट छूट जाती है, तो वो खुद ऐसे इम्प्रूव्ड पर्सन बन जाता है, वो हैप्पी हो जाता है। क्योंकि जब बुरी संगत निकल जाएगी, शास्त्र में शास्त्र के हिसाब से काम करेगा, तो उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है। और जब भी किसी की एबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो अगर स्टूडेंट होगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा, नंबर मिलेगा तो उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, कोई बिजनेस मैन होगा तो उसको अच्छे आइडिया आएंगे, अच्छा बिजनेस करेगा उसको पैसे मिलेंगे। और मतलब हर क्षेत्र में ये हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जो भी इस क्षेत्र में भगवत की ये जो भगवत गीता या वेदों का अध्ययन करता है, उसके बाद भगवान के नाम का जाप करता है, तो उनका डेफिनेटली मटेरियल परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। वो ऐसा नहीं रहता कि वो फालतू मतलब बैठा रहता, कुछ काम नहीं करता है, उसका इम्प्रूवमेंट होता ही है। अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये बताऊँ कि मैं दुबई में था 10 साल, हमने देखे जो भक्त आते थे जिनकी 1000 तनख्वाह थी, एक रूम में 2 लोग रहते थे, 1 साल में उनको एक रूम में रहने लगे, फिर 2 साल में उनके पास 2 बेडरूम फ्लैट हो गया, 3 साल में उनके पास में सिंपल टोयोटा होने लगी, 5 साल बाद में 4 व्हीलर चलाने लगे। ऐसा कोई डिवोटी हमको नहीं मिला जिसका मटीरियल, एक्चुअली हमारा मटीरियल प्रोग्रेस इज नॉट अ रेट बट ए साइड इफेक्ट है, ये जो है ना साइड इफेक्ट है। क्योंकि भगवान का नाम और ये भगवान के शास्त्र पढ़ना वेरी ऑस्पिशियस, फर्स्ट रिस्पॉन्स इसका होता है कि ऑस्पिशियसनेस, मतलब आपका मटीरियल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट होता है, और फाइनल तो भगवान से प्रेम होता है। तो हम लोग ये जब आप इसलिए नहीं करते कि हमको अच्छी नौकरी मिल जाए और खूब हम पैसे कमा लें, हमारा एम है भगवत प्रेम, जिसमें भगवान के धाम में जा सके, पर ये साइड इफेक्ट है, हमको ऑटोमेटिकली मिल जाता है हमको अच्छा, क्योंकि बुरी आदतें खत्म हो जाती है, आपकी शराब छूट जाती है, आपके जो भी बैड एसोसिएशन खत्म हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा ही अच्छा होता है। ऐसा कोई भक्त नहीं है जो मेंटली हैप्पी नहीं होता। और जितने भी जैसे हम दुबई में भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं कि इंसिडेंट ऑफ सुसाइड देखिए बड़ा कॉमन है, पर भक्तों में आपको कोई सुसाइड नहीं दिखेगा। तो हैप्पीनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और जब आप हैप्पीनेस है, आपकी क्वालिटी है, तो आपको जॉब मिलेगी। अच्छा मेडिकल, अब मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ कि जप करने का, जैसे जप करने का बहुत से जर्नल्स में आए हैं, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, यूरोपियन सोसाइटी कार्डियोलॉजी, उन्होंने बताया है कि भगवान के नाम का जाप, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो करता है
उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उसका हार्ट अटैक उसका कम हो जाता है, उसका मेंटल कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। जो काम दूसरा आदमी 8 घंटे में करता है, ये काम 4 घंटे में करता है। ये हम लोग का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैं जो काम पहले 8-10 घंटे में करता था, मैं आज 4-5 घंटे में कर लेता हूँ, क्योंकि भगवान को ऐसी बुद्धि देते हैं। भगवान ने कहा है कि ददाय बुद्धि योगंतम ये नमाम, जो हमारा नाम लेगा हम मैं उसको वैसी बुद्धि दूंगा कि वो इस जीवन में और दूसरे वैकुंठ के या स्पिरिचुअल जीवन में सक्सेसफुल होगा। तो जब करने से कभी भी नौकरी नहीं जाती, नौकरी आती है, मटीरियल बेनिफिट होता है, क्योंकि उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी जो बैड हैबिट्स निकल जाती है, तो इसमें फायदा ही फायदा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मुझे समझ में आया कि जपा करने से या आध्यात्मिक सत्संग करने से, स्क्रिप्चर्स को पढ़ने से, हमारी जो भौतिक आदतें होती हैं, जो कलमशमान होता है, वो परिष्कृत होता है, शुद्ध होता है, और उसके बाद हमें भी जो भी भौतिक उपलब्धियां चाहिए होती हैं वो हम कर सकते हैं। और ये बीच में आपने इसमें ये भी बताया कि हैप्पीनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो अजंता के बीच में से एक प्रश्न भी आया है कि हम भगवान को मानते हैं, हम स्क्रिप्चर भी पढ़ते हैं, हम जपा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, मंदिर भी आते हैं, खूब दान पुण्य भी करते हैं, फिर ऐसा क्या होता है कि इतना करने के बाद सबसे ज्यादा कष्ट का सामना हमको करना पड़ता है, उतनी तकलीफें हमको झेलना पड़ती हैं, वेरस जो कि जप नहीं करता है, जो अपने दुर्व्यसनों में लगा रहता है, सत्संग नहीं करता है, और उसको जो है सारे फायदे रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे में आस्था टिकमगाती है, परिवार वाले भी हमें आने से रोकते हैं, दान पुण्य करने से रोकते हैं, पढ़ने से रोकते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ये तो इसके पीछे तो आपको पूरा कर्म जानना पड़ेगा, लॉ ऑफ कर्म जानना पड़ेगा, वो तो 1-2 घंटे का लेक्चर है। हाँ, तो लॉ ऑफ कर्म आपको समझना पड़ेगा कि तो एक्चुअली ये कर्म है। अगर आपके कर्म जो है, आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, अगर आपने पहले के जीवनों में, पिछले जीवन में और इस जीवन में आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो आपको तो सफलिंग होगी, चाहे आप भक्त हों या अभक्त हों या जो भी हों, आपको तो वो कर्म जो है ना कभी भी एकदम न्यूट्रलाइज नहीं होता है। हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपने कुछ भी कर्म किए, नेगेटिव बैड कर्म किए हैं, किसी को दुख दिया है, तो उसका आपको फल मिलेगा। तो पर भगवान क्या है, अगर आपके भगवान का नाम का जाप करते हैं तो वो आपके कर्म जो है ना थोड़े से डाइल्यूट कर देते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि जैसे बहुत धूप है, भगवान आपको एक छत्ता दे देते हैं तो आपकी गर्मी कम जाती है, बरसात बहुत है तो भगवान आपको एक छत्ता देते हैं, मतलब आपके कर्म का जो रिएक्शन है उसको कम करते हैं। अगर आपका बहुत मेजर एक्सीडेंट होने वाला होता है तो उसको आपको माइनर करते हुए निकाल देते हैं। तो पर कर्म कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं होता। तो ये ऐसा नहीं है कि भगवान ने अब जब अभी आए 6 महीने से जब कर रहे हैं, पिछले 10-12 साल से तरह तरह के पाप किए हैं, तो वो कभी कट नहीं होता। पाप बैड कर्म यू हैव टू सफर एंड गुड कर्म यू हैव टू एंजॉय। ऐसा नहीं होता कि आपने बैड कर्म किए 10 और अच्छे कर्म किए 10 न्यूट्रलाइज हो, ऐसा नहीं होता। आपने अगर खराब काम किए हैं 10 तो उसका फल मिलेगा, नेगेटिव फल मिलेगा, आपने अच्छे काम किए हैं तो उसका पॉजिटिव फल मिलेगा, तो ऐसा कभी न्यूट्रलाइज नहीं होता। पर बस जस्ट भगवान गिव्स यू द रिलीफ दैट यू डोंट सफर टू मच। ये जिन सज्जन का भी ये प्रश्न था उसके बारे में मैं बता दूं कि इसकी विस्तृत जानकारी हमारी शनिवार को ऑनलाइन जूम क्लासेस होती हैं, उसमें आप डिटेल कर्म के सिद्धांत के बारे में भी आपको जानकारी मिल सकती है। प्रभु, इससे अगला प्रश्न ये है, जिस संस्था से आप आते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मठ, वो हमको ये बोलता है जपा कीजिए, सत्संग कीजिए, चैंटिंग कीजिए, आध्यात्मिक जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उसको पढ़िए, इसका उद्देश्य निश्चित तौर पर क्या सन्यासी बनाना है? ये बहुत कॉमन सवाल है, ये बहुत कॉमन सवाल है कि आपने भगवद गीता उठाई और लोग तो डर जाते हैं एक्चुअली, क्योंकि भगवत की दफा भगवत की, इसका मैं खुद एग्जांपल मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं जब मैं फ्रांस में फेलोशिप करने गया तो मेरे को सब मेरे दोस्तों ने बताया कि वहाँ पे हर चीज़ फ्रेंच में है, वहाँ पे टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, सब लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप ना ऐसा करो कि कुछ किताबें लेके जाओ, फिक्शन, दुनिया भर की फिक्शन की किताबें, तो मैं वही ले गया, मैं 8-10 किलो तो सब कुछ ले गया मैं। पर मैंने मेरे को एक गीता मेरे शादी के टाइम में मेरे साथ ने दी थी, मैं वो भी लेके गया, तो मैंने पढ़ा और मैं एक्चुअली इस्कॉन में पढ़ के ही आया, क्योंकि मैंने वो पढ़ा और मेरे को बहुत अच्छा
दुबई आ गया, वहां पे स्कॉन का मैंने उसे सत्संग मिला तो आ गया। पर जिसने भी हम बैग खोलते थे, लोग चार पांच फैलो थे और कुछ इंडियंस भी थे, जैसे ही हम बैग खोलते थे और लोग देखते थे भगवत गीता, अरे अरे भगवत गीता, भगवत गीता मतलब ये भाग जाएगा, ये सब संसार छोड़ के भाग जाएगा। पर अगर आप देखो तो भगवत गीता को कौन, किसने किसको कहा, भगवत गीता को किसने कहा, कौन है द स्पीकर, भगवत गीता स्पीकर कौन है, किसको कहा, अर्जुन कौन है, अर्जुन तो बड़े नमे से कमांडर है और वो तो एक्चुअली सच में जाना चाहते थे, वो तो बैटल फील्ड छोड़ के जाना चाहते थे कि हमारे ये मामा है, हमारे दादा है, हमारे मामा है, हमको नहीं मानेंगे। पर भगवान ने उनको क्या कहा कि जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे उनको मानना है, उन्हें ये नहीं कहा कि तुम संन्यास ले लो, उन्हें ये नहीं कहा जाओ भाई अर्जुन तुम हिमालय में जाके जप करो। तो ये बिल्कुल ही भ्रम है, बिल्कुल गलत है कि इस्कॉन बोलता संन्यास लो। और अभी मैं अभी एक अमुक लीला प्रभु है बहुत सीन बहुत अच्छे डिवोटी का लेक्चर सुन के आया हूँ कि इस्कॉन में सिर्फ 0.1% सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, 99.99 लोग गृहस्थ ही हैं, तो ये इसका कोई इसकी वैलिडिटी नहीं है। जो आपने बताया कि सन्यासी हैं, तो जितने भी सन्यासी हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, ये मटेरियल चीजों का उपभोग भी करते हैं, उपयोग भी करते हैं। मेरा प्रश्न ये है अगला, जैसा कि इस्कॉन बोलता है कि भाई आप जो है मटेरियल चीजों से दूर रहें और इसका उपयोग भी करें, लेकिन इससे आसक्ति ना बना के रखें। मेरा प्रश्न ये है कि जिस चीज का उपयोग करते हैं, वो जहाँ से आती है, जिस राष्ट्र से आती है, उसकी GDP में सन्यासियों का, साधुओं का, महात्माओं का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? इसमें आपने ना ऐसे दो क्वेश्चन पूछे, एक तो जो मटेरियल चीजें हैं जैसे माइक है और एम्पलीफायर है, हवाई जहाज है, कार है, तो ये क्या यूज नहीं करना चाहिए? बहुत से ग्रुप है, कुछ रामकृष्ण मिशन टाइप के भी हैं जो बोलते हैं ये सब नहीं यूज करो ऐसा। पर प्रभुपाद ने बहुत अच्छा प्रिंसिपल दिया, प्रभुपाद ने प्रिंसिपल दिया नित्य वैराग्य, कि जो भी चीज हमको मिलेगी, पैसा मिला तो, कार मिली तो, और भी कुछ सहायता मिली, हम सब कृष्णा के लिए यूज करेंगे, खुद के लिए नहीं, ये वैराग्य। अब ऐसा पैसा मिला हम अपना एक बड़ा मकान बना के बैठ गए तो ये गलत है, और पैसा मिला तो हमने मंदिर में दे दिया, पैसा मिला हमने गाड़ी खरीदी खूब खुद मजा कर रहे हैं तो गलत है, अगर पैसा मिला तो हमने फूड फॉर लाइफ में लगा दिया, भगवान की सर्विस में लगा दिया, ये है। अब ये अगर आप इसमें आप फिल्मी गाने गाने लगो तो बेकार है, पर इसी में आप भजन गाओ और भजन और ये सब बात स्पिरिचुअल बात करो तो ये काम का है। ऐसा हर चीज़ टाइप कंप्यूटर है, सब लोग बोले अरे बड़े इस्कॉन के हैं, बड़े बड़े लैपटॉप लेके चलते हैं, पर लैपटॉप में क्या रहता है, बस पूरे लेक्चर्स रहते हैं, प्रोग्राम रहते हैं। तो जो भी सांसारिक चीज अगर आप स्पिरिचुअल उसमें यूज कर दो तो वो स्पिरिचुअल हो जाती है, तो इसको कहते हैं नित्य वैराग्य, मतलब ये सब छोड़ना नहीं है, इसको यूटिलाइज करना है, और जो ये छोड़ देता है वो गलत करता है। और इसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मतलब मायापुर में एक सीनियर मैनेजर थे, उनका काम था लोग उनको कंप्लेंट बताते थे और उनको सॉल्व कर मैनेजर थे, तो एक दिन उन्होंने अपना मोबाइल फेंक दिया, मोबाइल से वैराग फेंक दिया, तो सब लोग को दिक्कत हो गई, कोई फोन करना कुछ नहीं, एक बहुत ओल्ड मैन आए और अमेरिका से फोन करते थे, फोन नहीं उठाते थे, तो वो आए और बोले कि हम इतना फोन करते हैं आप बता दो, बोले मैंने फोन से वैराग्य ले लिया, तो उन्होंने उनके इतना डांटा, वो भी काफ़ी बड़े थे, मैंने कहा ये मतलब बहुत ही जिनकी गालियाँ होती, ये फोन आपका आपका मैनेजर जो आपका काम है ये इस फोन का, ये भी स्पिरिचुअल है। अगर आप कोई पेशेंट कोई लोग आदमी बोलता है कि मेरे को रूम चाहिए ये चीज़ उसको आप हेल्प करते हो तो ये स्पिरिचुअल ड्यूटी, कोई मटीरियल नहीं है, तो ये कई गलत भ्रम हो जाते हैं, लोग कई बार काम नहीं करना चाहते, तो ये जो है मतलब हर चीज हम भगवान की हर चीज यूज कर सकते हैं, यानी एज अ टूल यूज कर सकते हैं, एज अ टूल प्रमोट किताब है इसको हम प्रमोट कर सकते हैं, ये सब है कार्य है प्रभुपाद तो रोल्स रॉयस में भी चलते, तो क्या ऐसे मजा करने चलते थे, प्रोग्राम भी जाते थे,
तो ये दूसरा प्रश्न किसी से जुड़ा हुआ था कि साधुओं महात्माओं सन्यासियों का राष्ट्र की जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है। अब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ये है कि अगर आप आदमी की क्वालिटी बढ़ा दें, आदमी अब क्या जब भी संतों के एसोसिएशन में आता है कोई तो उनको ऑब्वियसली संत भगवान के बारे में आते हैं, जप के बारे में बताते हैं, तो उसकी जो है ना बैड क्वालिटीज जो भी उनको नशा करता है, मांस मछली खाता है, झगड़ा करता है, तो ये सब धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और भगवान का उनका प्रोटेक्शन, भगवान का आश्रय मिल जाता है, और भगवान का जब आश्रय मिल जाता है उसकी बुरी आदतें भी चली जाती हैं, तो वो हैप्पी हो जाता है, अच्छा उसके काम करने की एबिलिटी बदल जाती है। अभी बिगेस्ट प्रॉब्लम इंडिया में क्या देख लो, अपने पर्टिकुलर जो लेबर क्लास है, पैसा कमाया रात को क्या सब दारूशराब करके बर्बाद कर दिया। तो अगर यही लोग स्पिरिचुअल हो जाए जैसे पहले के ज़माने में था, पहले के ज़माने में नॉट लॉन्ग बैक 50 साल पहले भी शाम को आदमी घर से काम करके शाम को काम करके लौटता था, उसको हर एक मोहल्ले में एक मंदिर होता था, उस मंदिर में जाता था, जब तक वो भजन ना कर ले उसके घर में उसको खाना ना मिलता, एक सिस्टम था, और वो गाना भजन करके आते थे और सुबह उठ के सब काम करते थे, एक वैदिक सिस्टम था ये, तो सब लोग बहुत अच्छे थे और एबिलिटी ज़्यादा होती थी तो काम ज़्यादा होता था। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जो काम 8-10 घंटे में करता था अब मैं वो सिर्फ 4 घंटे में कर लेता क्योंकि माइंड फोकस, माइंड का फोकस बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, और क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि भगवान भी इंस्पिरेशन देते हैं, भगवान बताते हैं कि ये नहीं करो ये नहीं करो, तो ये विन विन सिचुएशन, इसमें कभी नुकसान नहीं होता। और जब आदमी की क्वालिटी बढ़ जाती है तो जीडीपी बढ़ेगी ना भाई, किसान है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, जब वो अच्छे से काम करेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, शायद आपकी कार्य क्षमता का एक जीडीपी का वह अमूर्त हिस्सा है जो मतलब खाली आंखों से नहीं देखा सकता, इसके अप्रत्यक्ष परिणाम सामने आते हैं। जैसे कि यदि आप हैप्पी रहेंगे तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तो प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा अच्छी आएगी और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेगा। प्रभु जी, विगत दिनों गीता जयंती थी, हमने देखा कि तमाम शहरों में गलियों में नुक्कड़ों पर बहुत छोटी छोटी कम उम्र के बच्चे जो थे, युवा जो थे, वो गीता का प्रचार प्रसार कर रहे थे, इंसिस्ट कर रहे थे लोगों को गीता लेने के लिए। लेकिन जहाँ तक मैं सुनता हूँ लोग बताते हैं, बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं कि गीता में जो लिखा हुआ है वो महाभारत से आता है और महाभारत में जो प्रसंग है वो युद्ध से विषय है, युद्ध से संबंधित है। तो सभी ने मना करके रखा है कि भाई महाभारत या गीता से रिलेटेड ऐसी कोई बातचीत घर में नहीं होनी चाहिए, उसे नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, परिवार का विघटन होगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होगा, भाई भाई में झगड़ा होता है, इसलिए महाभारत जैसे ग्रंथों को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। तो इस बात में कितनी सत्यता और प्रामाणिकता है? बिल्कुल धर्म है, मानव ऊपर ही बहुत कॉमन है, बहुत जिधर भी आप जाओगे तो देखो एक फोटो है ना जहाँ भगवान कृष्ण बैटल फील्ड लेके जा रहे हैं और अर्जुन पीछे हैं, तो जहाँ पे भी देखो बहुत लोग डरते हैं रखने के लिए, महाभारत भी नहीं रखते। पर एक धर्म है कि भगवान ने एक्चुअली आखिरी वर्ष में जो भगवद गीता का आखिरी वर्ष है, यत्र योगेश्वर है कृष्ण यत्र पार्थो धर्म धर्म तत्र श्री विजय भूतिर जवान देते मत, कि जहाँ पे कृष्ण है वहाँ अर्जुन है, आपने अर्जुन और कृष्ण का फोटो लगाया हुआ है, उनकी पूजा करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, तत्र श्री विजय भूतिर जवान देते, वहाँ पे समृद्धि होगी, वहाँ पे नीति होगी, वहाँ पे एक्सट्रीम पावर होगा और वहाँ पर मॉडर्निटी होगी। तो ये तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि झगड़ा होगा, कहाँ कहाँ, और ये आखिरी श्लोक है भगवद गीता का, आखिरी श्लोक है योगेश्वर है कृष्ण इस बात धर्म, तो जो आखिरी श्लोक होता है वो फाइनल श्लोक होता है। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि धर्म समाज लड़ाई होगी, डिवोर्स होगा, कुछ नहीं कहा। तो ये भ्रम है, लोग पढ़ते नहीं ठीक से इस तरह सब। दूसरा प्रश्न भी उसी से रिलेटेड है कि जो तरुण होते हैं उनको हमने भगवद गीता दे दी, दूसरा आरोप ये भी है उसी के साथ साथ कि आपने तरुणों को पकड़ के भगवद गीता दे दी, उनका ब्रेन वॉश कर दिया, तो क्या जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मत संघ है वो लोगों का ब्रेन वॉश करता है, प्रश्न एक है ये। दूसरा प्रश्न उसमें ये है कि तरुणों जिन्होंने अभी अपनी फ्री स्टाइल लाइफ को जिया नहीं है, जिन्होंने भौतिक संसाधनों का प्रयोग किया नहीं है और जो फ्री विल से अपने जो जीवन को जीना चाहते हैं वो किया नहीं है, उनको हमने आध्यात्मिक बना दिया, जबकि गीता में ही ये कहीं लिखा गया है कि भगवान तो भक्तवत्सल है, वो सभी के जो भी पाप है, जो भी किसी प्रकार
प्रकार का कोई ऐसा कार्य होता है उसको माफ कर देते हैं। तो क्यों ना हम 50 वर्ष तक अपनी लाइफ को जी लें और उसके बाद फिर भगवान की चरण में चले जाएं, क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल है, वो तो हमको माफ कर देंगे। तो ये कहाँ तक उचित है? तो ये तो वही बहुत कॉमन है, ये भी बहुत कॉमन है। अरे अरे अरे, 20 साल के बाद भगवत गीता पढ़े, 50 में पढ़ना, 60 में पढ़ना, तो अभी अभी इंजॉय कर लो, अभी इंजॉय कर लो, बाद में पढ़ना। पर ठीक है, इंजॉय कर लो, बाद में पढ़ना। पर अगर आप देखें 60 के ऊपर के अगर आप सर्वे करें तो कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं? 1% नहीं पढ़ता, 1%। क्यों? क्योंकि जो आदतें आपको 5-6 साल की उम्र में नहीं मिलेंगी वो आप बाद में नहीं करोगे। इंग्लिश में कहावत है ना कि ओल्ड डॉग डज नॉट लर्न एनी न्यू ट्रिक, वो नया नहीं सीख सकता, तो बुढ़ापे में कोई आगे नहीं सीख सकता। इसलिए अच्छा, शास्त्र के एविडेंस क्या है कि प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकश्यप के लड़के थे, वो अपने क्लास में समझाते थे कि कौमारम यौवनम, क्या एक है कौमारम आज तक प्रज्ञो धर्म भागवत भागवत, यहाँ कि ये जो भागवत है कौमार, मतलब 5 साल की उम्र में। उन्होंने कहा कि ये 5 साल की उम्र में पढ़ो, क्योंकि इसके बाद नहीं पढ़ पाओगे, आप इतने बिजी हो जाओगे गृहस्थी में इसमें इसमें। और क्यों कहा पढ़ोगे? क्योंकि ये जो है ना, ये भगवत गीता भागवतम अब एक मैनुअल है, क्योंकि एक मैनुअल है जो अपने शरीर को चलाता है। जैसे आप एक फ्रिज खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, हाँ फ्रिज टीवी खरीदते हो, एक मैनुअल मिलता है ना कि ये वाला स्विच दबाओ यहाँ पे तो ये चलेगा, ये इसमें स्क्रीन वाइड हो जाएगा, इसमें साउंड ऐसा, वैसे एक मैनुअल होता है। तो भगवान के हमारे जीवन के लिए भगवत गीता और भागवत में एक मैनुअल है। अगर हम इसको पढ़ के चलाएंगे हम सुखी रहेंगे, और नहीं चलाएंगे अपने मन से चलाएंगे तो इसीलिए डिवोर्स जो है अभी 13-14% हो गया इंडिया में, और बढ़ता जाए, मतलब कुछ ही सालों में एकदम इंडिया में सबसे बड़ा डिवोर्स सेंटर इंडिया होगा। अमेरिका में तो चल ही रहा है, अमेरिका में तो 66% मैरिज ओवर इन 3 ईयर्स, 3 साल में 60% डिवोर्स। क्यों हो रहा है? क्योंकि शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो सोचते हैं कि मटीरियल इंजॉयमेंट करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा, पर बाद में फिर मतलब ये चल नहीं सकता। इसलिए ओनली वे फॉर हैप्पीनेस इज स्पिरिचुअल बाई भगवद गीता एंड भागवतम। इससे हम अपना कैरेक्टर बनाते हैं, क्या करना चाहिए, किसी को दुख नहीं दे भगवत, और अल्टीमेटली ये जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य जो है असल तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म भगवत भगवत ध्यान जाना है। तो ये जो है ना, ये मतलब शास्त्रिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको जानना है कि स्क्रिप्चर आर द वर्ड ऑफ गॉड, ये हमेशा आपको बोलना है कि स्क्रिप्चर में जो लिखा है वो वर्ड ऑफ गॉड है, भगवद गीता में जो लिखा है वो परम सत्य है। अब आप आज मान जाओ, नहीं मानोगे तो मैं आपको एक दिन और लेक्चर दे दूंगा कि क्यों द स्क्रिप्चर्स आर वर्ड ऑफ गॉड। हाँ, अब एक तो एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि स्क्रिप्चर्स क्यों वर्ड ऑफ गॉड है, क्योंकि भागवतम में 5,000 साल पहले लिखा हुआ था कि ये पृथ्वी में 7 द्वीप हैं, हमको अभी तक मालूम था 5 हैं, अभी 200 साल पहले पता चला 7 हैं, अभी अमेरिका हमको अभी दिखा, अभी हमको अभी तक जानते थे कि पृथ्वी जो है चौगोल है, अभी 1-2 साल पहले तक, 5,000 साल पहले भागवत में लिखा है कि भूगोल है। हम लोग को अभी 50 साल पहले चला है तो समझ रहे कि पेट में जो बच्चा होता है उसको दो महीने में हार्ट डेवलप होता है, 3 महीने में पैर होते हैं, पेशाब होती है, ये सब चीज़ें हमको अभी पता चलती 50 साल। 5,000 साल पहले 3rd कैंटो में भागवत में पूरा लिखा हुआ है कि फीटल डेवलपमेंट कैसा होता है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि ये वर्ड ऑफ गॉड है, उसमें कोई एनोमली कुछ नहीं है, तो अपने उसको फॉलो करना है। अगला प्रश्न डॉक्टर हितेश अग्रवाल जी की तरफ से आता है। जैसा कि आपने कहा कि स्क्रिप्चर जो है वो वर्ड ऑफ गॉड है, भगवान ने गीता में कहा ही है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जी प्रश्न यहाँ ये होता है कि वर्तमान में जो कलिकाल में जो समय चल रहा है, क्या यहाँ पर धर्म की ग्लानि नहीं हो रही है? यही 1,000 साल तक मुगलों ने हम पर राज्य किया, अत्याचार किए और पूरे राष्ट्र को विखंडित कर दिया, जनहानि हुई, धनहानि हुई, और जो हमारी संस्कृति थी उसका भी हनन हुआ। तब भगवान कहाँ थे, भगवान क्यों नहीं आए? अब अभी जो आप देख रहे हैं कि अभी जो कलि युग चल रहा है, अभी 5,000 साल ही हुए और ये 4,32,000 साल चलेगा,
तो अभी 5000 हुए हैं, तो अभी समझ सकते अभी ऐसी हालत तो बाद में क्या होगा, पर जो प्रेडिक्शन है कि 4,72,000 बाद कल की अवतार आएंगे, तो सफेद घोड़े में आएंगे, चाहे वो लेके आएंगे, कटा लेके आएंगे, वो सबको खत्म कर देंगे, जितने भी असुर हैं, जितने आदमी हैं असुर जो भगवान को नहीं मानते उनको खत्म कर देंगे। तो ये होगा, तो अभी भी वैसे साधु रूप तो अभी भी आ रहे हैं, और सबसे बड़े साधु जो अभी आए हैं चैतन्य महाप्रभु, जो जिनको हम फॉलो करते हैं, जो एक्चुअली भगवान कृष्ण के अवतार हैं, तो उनका ये जो अभी जो 10 साल आगे 10,000 साल अभी जो 10,000 साल चल रहा है वो गोल्डन युग ऑफ चैतन्य महाप्रभु। अगर आप इस 10,000 साल से निकल गए तो वैकुंठ चले जाएंगे। कोशिश करते हैं गुरु के संरक्षण में भगवत मतलब भगवत गीता पढ़ के चाहे भगवान के नाम को चेंज करके अगर आप जाएंगे तो 10,000 साल में आप भगवत धाम जा सकते हैं। पर इसके बाद में कंप्लीट केओस हो जाएगा, कलयुग बहुत खराब आएगा। तो अभी आ तो रहे हैं, गुरु नानक आए हैं, अभी चैतन्य महाप्रभु आए हैं, आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं, पर लोग सुनते नहीं हैं। जी अगला प्रश्न ये है कि इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जहाँ पर समाज से आने वाले सामान्य अभिजात वर्ग का ब्रेन वॉश करता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, तो क्या ऐसा है? ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि आप जो आते हैं बच्चे उनको ब्रेन वॉश कर देते हैं, वो घर छोड़ के आ जाते हैं। अमेरिका में ये बहुत हुआ, केस भी हुआ, हाईकोर्ट में भी केस हुआ कि ये बच्चे आते हैं आप उनको ऐसी शिक्षा दे देते हो घर छोड़ के आ जाते हैं, सब कुछ कोर्ट में भी गया था। तो प्रभुपाद ने बोला कि हाँ हम ब्रेन वॉश कर सकते हैं, प्रभुपाद ने कहा हम ब्रेन वॉश कर सकते हैं। आपके जो ब्रेन में जितने गंदी गंदी चीजें हैं, काम क्रोध मद मोह मात्सर्य, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये सब का हम सफाई करते हैं, दो भी हैं। तो कैसे करते हैं भाई? भगवान का नाम लेके जप करके। तो उन्होंने कहा कि हम दो भी हैं पर जितनी गंदगियाँ हैं वो हम साफ करते हैं, हम बाकी और कुछ ऐसा नहीं करते कि उनको कुछ दूसरा टाइप का बना देते हैं, उनकी गंदगी उनका जो कैरेक्टर है उसको अच्छा बनाते हैं। तो ये अगला प्रश्न आया है कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो थोड़ी बहुत मिसचीफ कर सकते हैं क्या, बिजनेस करते समय क्या वो जस्टिफाई है शास्त्रोक्त? ये प्रभुपाद ने इसका अच्छा जवाब दिया था कि बिजनेसमैन उसको अपना सामान बेचना है तो वो उसको अलाउड है, उसका सामान तो अच्छा नहीं भी होगा तो वो बोलेगा कि मेरा सामान बेस्ट है ऐसा वैसा और बेच रहे। तो बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा झूठ अलाउड है क्योंकि वो बोलेगा ये बिल्कुल अच्छा नहीं है या नहीं है तो उसका काम कैसे चलेगा। तो बिजनेसमैन के लिए ये बोलना अलाउड है। किचन में जैसे 4 बर्तन होते हैं तो उनसे साउंड आता ही आता है, वैसे सामाजिक व्यवस्था में हम रहते हैं तो उसमें लाजमी है कि आपस में थोड़ी सी नोक झोंक उठा पटक कई बार मारामारी भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जो एसोसिएशन में है, जो साधु मन का है, जो तमाम आपके बताए हुए मार्गदर्शन पे चल रहा है, उसको क्या करना चाहिए? क्या उसे भगवान कृष्ण, यदि वो सही है तो भगवान कृष्ण के उन आदेशों का पालन करके उनका वध कर देना चाहिए, उनको खत्म कर देना चाहिए, या फिर वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये जब आप मतलब इस कौन में आते हैं जब करते हैं आपका ना कैरेक्टर और लाइफ बदल जाती है क्योंकि आप वेजिटेरियन खाते हैं, आप अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, आप शराब नहीं पीते हैं, आप इलिसिट एसोसिएशन नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली जो समाज ये सब करता है उससे आप अलग हो जाते हैं। तो अब उससे अलग हो जाते हैं तो आप क्या सवाल क्या था मैंने जब पूछो क्या सवाल था आपका? प्रभु जी समाज में हम रहते हैं तो कई दुष्ट लोगों के साथ भी हमारा आमना सामना हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हमें, यदि हम सही हैं धर्म के मार्ग पे हैं और यदि हमारे साथ कोई गलत करता है तो क्या हमें उसके साथ दो कर लेनी चाहिए? ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ऐसा है कि पहले तो क्या बहुत जैसे जनरली इंडिया में है ना, जैसे आप बहुत हम्बल हैं, झुके बोलते हैं हरे कृष्णा, झुके नमाते, तो जो दूसरा आदमी समझता है कि इसको हम दबा दें, उसकी बात कुछ ना माने। तो अगर समझदार आदमी है जो थोड़ा स्पिरिचुअल इंक्लाइंड है, वो जानता है कि ये
स्त्रियां तो हुए हैं, हमको विश्वास खुद करना चाहिए पैर, तो वो तो समझता है। पर जो ज्यादा मैच्योर नहीं है वो उसका एडवांटेज ले लेता है, वो समझता है ये तो बिल्कुल सब बहुत टिमिड है, बेवकूफ है। तो गुरु कहना है कि आप तो उस समय अपना, वो कहते हैं ना, फन आप दिखा सकते हैं। एक कहानी है, एक कथा है कि एक बहुत बड़ा कोबरा, बहुत बड़ा कोबरा जो है ना, वो उसने नारद मुनि के पास गया। उन्होंने बोला कि मैं भक्त बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम अ डिवोटी। तो उन्होंने बोला ठीक है बन जाओ। तो इतना बड़ा कम से कम 6-7 फुट का 8 फुट का कोबरा और बड़ा और डिवोटी बन गया। अब चुपचाप किसी को कुछ बोलता नहीं था, तो पहले तो बच्चे अच्छे सब डरते थे उससे, पर बाद में देखा कि ये कुछ करता नहीं है, तो धीरे धीरे आके पत्थर मारना, ये करना, वो करना, और वो बहुत दिक्कत करना उसको। तो वो फिर नारद मुनि के पास आए कि आपने तो बोला था ऐसा भाई चुपचाप जाना और किसी को कुछ नहीं बोलना, तो ये तो मेरी हालत बुरी होगी, पत्थर मारता है कोई कुछ करता है। तो उन्होंने बोला देखो मैंने तुमको बोला था कि काटना नहीं, पर मैंने ये नहीं बोला कि फन नहीं दिखाना। तो जैसे ही कोई आए फन देखो सब भाग जाएंगे। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि कोई आए आपका आपके पास में और आपको क्रिटिसाइज करे, आपका काम बिगाड़े, तो उसको आप बिल्कुल डांट सकते हैं, पर उसका अपन, उसको अपन डैमेज नहीं करते, उसको रियली हार्म करने की मतलब वी डोंट बाइट देम। हम उनको हार्म करने की कोशिश करते हैं, पर उनको डराते हैं कि वो अपने रास्ते से गलत रास्ते से ठीक हो जाए। एक प्रश्न और आ रहा है भक्तों के बीच से, हु इज गॉड एंड व्हाट इज पेट्रोल ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। अमित तिवारी जी पूछ रहे हैं। पेट्रोल भगवान है, आपको विश्वास है ना, भगवान है, विश्वास ये तो भगवान है, ये तो क्लियर हो गया। नहीं तो इसके ऊपर बहुत अच्छा है, भगवान का क्या रोल है। अब देखिए अगर आप वेदांत सूत्र पहला ही पढ़े 111, तो उसमें उसका है वेद अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उन्होंने कहा कि आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है, चाहे औरत का हो, चाहे लेडीज का हो, चाहे जेंट्स का हो, आपको मनुष्य शरीर मिला है, तो इसी शरीर में आप अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसी शरीर में आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको कुत्ते का जीवन मिलेगा या शेर का मिलेगा या कोई और जीवन पशु पक्षी का मिलेगा या पेड़ का मिलेगा, आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, ओनली ह्यूमन लाइफ में आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये अपने को इसकी कोशिश करनी चाहिए। और क्या क्वेश्चन दूसरा और क्या पूछा था किसी ने? बस यही प्रश्न था तिवारी जी का कि भगवान कौन है और हमारी लाइफ में उनका क्या इफेक्ट है। तो ये तो सबसे पहले तो आप ये सोच लो भगवान है और भगवान के रास्ते पर हमको चलना है, उनको हमको पसंद करना है। अब भगवान कौन है देखिए, अब ये सब अपने मन से नहीं है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि वदन्ति तत्त्व विदस तत्व में अज ज्ञान ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये वर्ड्स अगर आप समझ जाएं और पूरी दुनिया को बता दें तो झगड़े का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ब्रह्म मतलब कि लाइट, स्पिरिचुअल लाइट, नूरे इलाही, इसलिए मतलब बोलते हैं नूरे इलाही। तो ये जो वैष्णव आचार्य कह रहे हैं कि ये जो लाइट है ये भगवान के शरीर से निकल रही है, ये भगवान के शरीर से निकल रही है। तो भगवान है, भगवान का आकार है ईश्वर है, परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका आकार है कृष्ण और नौ यौवन है और उनका रूप कलर है, तो वो है। और उनके लाइट, उनके हृदय से मन, उनके शरीर से जो लाइट निकलती है उसको कहते हैं ब्रह्म, और उसको उसी को क्रिश्चन कहते हैं गॉड, उसी को मुस्लिम कहते हैं अल्लाह। तो ये जो निराकार लाइट है ये नारायण या कृष्ण के शरीर से निकल रही है, और बीच में है परमात्मा। इन इस जो ब्रह्म की लाइट का एक एक अंश जो हमारे अंदर है उसको कहते हैं परमात्मा। अब ये तीनों की पूजा अलग अलग होती है, परमात्मा की पूजा होती है मेडिटेशन से, ज्ञान, ये जो ब्रह्म की पूजा होती है ज्ञान से पढ़ के, और भक्ति की जो पूजा होती है वो नौ विधि भक्ति होती है, वो है श्रवण कीर्तन विष्णु, भगवान का नाम का भी अपन ने कीर्तन किया, अपने अपने जप किया, ये इसी से भगवत प्राप्त होती है। तो अकॉर्डिंग टू वैष्णव सबसे अच्छा जो यूज, सबसे अच्छा स्टेप है वो भगवान की पूजा करना, भगवान कृष्ण
या भगवान नारायण की पूजा करनी है, और जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिक ब्रह्म की पूजा भी हो जाती है। इसीलिए हमारा जो वैदिक धर्म है ये बेस्ट धर्म है, क्योंकि ऋग्वेद में कहा है एको सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, एको सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, भगवान एक है, पर अलग अलग रास्ते हैं, निराकार रास्ता है, परमात्मा का रास्ता है, भगवान स्वयं भगवान नारायण की पूजा सबने कीर्तन कर सकते, देवी देवता गणेश की पूजा दुर्गा की पूजा करने के बाद भी अल्टीमेटली वो भगवान के पास ही लेके जाते हैं। अगर हम दुर्गा की पूजा करते हैं और हम अगर कहते हैं कि हमको नारायण के पास ले चलो तो वो नारायण के पास लेके चलते हैं। तो हमको इन तीनों में से कोई भी रास्ता अपनाएं, किसी में से किसी रास्ते में जा सकते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये इसीलिए हमको वैदिक सनातन हिंदू धर्म को स्प्रेड करना है, क्योंकि ये दूसरे धर्म वाले नहीं कह रहे, सबसे हम जो कह रहे हैं एको सत्य मित्र बोधा बदलते वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दिस इज द ओनली वे, कोई ये कह रहा है दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे, तो ये दिस इज द ओनली वे इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सबसे अच्छा क्या है एको सत्य मित्र बोधा बदलते, इसलिए क्या है कि हमारे हिंदू घरों में जो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में कोई दुर्गा की पूजा कर रहा है, कोई काली की पूजा कर रहा है, कोई नारायण की पूजा कर रहा है, कोई एथीस्ट भी है, तो कोई झगड़ा नहीं, तो दूसरे लोगों में ऐसा नहीं हो सकता। तो उनमें कह रहे हैं दिस इज द ओनली वे अदरवाइज हाईवे, तो ठीक है ना। इसलिए क्या है हमारा धर्म सबसे अच्छा है, हमको इसको प्रमोट करना है। पर सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि सब हिंदू 99.9% वेदर एजुकेटेड वेदर IAS वेदर जज नॉलेज ऑफ शास्त्र इस जीवन, क्योंकि हमको पढ़ाई नहीं है। हम अभी लोग 5 साल से कुरान पढ़ते हैं, 5 साल से कुछ भी नहीं पढ़ रहे, जीरो कुछ नहीं पढ़ते। तो ये सिस्टम ही बदलना है। जो गुरुकुल 200 साल पहले 17,000 कितने गुरुकुल होते थे, जीरो हो गए। तो ये जो अब इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, ब्रिटिश ने मैकॉले को भेज के सब डिस्ट्रॉय किया, इंग्लिश कॉन्वेंट एजुकेशन लाए। तो अपने को अगर अब सनातन हिंदू धर्म और कृष्ण कॉन्शियस रहना है तो अपने शास्त्रों को पढ़ना है, पढ़ाना शास्त्रों को, भगवत गीता भागवत को पढ़ना है और पढ़ाना है। उसी से सब उससे बहुत चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि कई कास्ट सिस्टम को बता दूँ कि कास्ट सिस्टम का प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हिंदू धर्म में पर्टिकुलरली साउथ में क्या है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये है, वो है, और ब्राह्मण लोगों को दिखाया जाता है कि अत्याचारी है। पर भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग शब्द, उन्होंने कहा है कि चातुर्वर्ण नया सिस्टम गुण कर्म विभाग, मैंने चार कर्म चार वर्ण गुण और कर्म से बनाए हैं। उन्होंने एक नहीं कहा कि जन्म, उन्होंने कहा ये नहीं कहा चाया चातुर्वर्ण नया सिस्टम जन्म कर्म से नहीं बोला, जन्म उन्होंने कहा गुण और कर्म। जिसकी क्षत्रिय गुण है भले वो अग्रवाल है विनोद अग्रवाल पर है, वो मिलिट्री में कर्नल है, तो क्या हुआ वो क्षत्रिय हुआ। और कोई पांडे है और प्लम्बिंग करता है, हाँ इलेक्ट्रिशियन है तो शूजू, और कोई उल्टा भी हो सकता है जो बिजनेस करता है वो वैश्य हुआ। तो ये जो है दे आर अकॉर्डिंग टू द वर्क, और इसलिए सब जगह पूरी दुनिया में कहते हैं एजुकेटेड क्लास एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, ब्राह्मणों को एजुकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो फौज को, थर्ड मर्केंटाइल क्लास बनिया जो वैश्य वर्केंटाइज, और बाकी जो सैलरी ले काम करता है शूद्र क्लास। इसलिए दुनिया में है और कोई कास्ट किसी से बड़ी नहीं है, ऑल द कास्ट वेदर इट्स ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र सब बड़ा भगवान के सामने वो बिल्कुल बराबर है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है, सोमवार को शिव जी की पूजा होती है, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होती है, बुधवार को गणेश जी की पूजा होती है। मैं एक मंदिर में जाता हूँ वहाँ पर बोलते हैं कि भगवान शिव से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। दुर्गा जी के मंदिर में जाता हूँ तो बोले जगतदात्री माता जी हैं, जो हैं वही हैं। यहाँ आता हूँ भगवान कृष्ण किसकी पूजा करूँ समझ नहीं आता। एक प्रश्न है, एक और है प्रश्न, इसका जवाब पहले दे दो। ओके, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसके बारे में अपना को जानना बहुत जरूरी है। कोई दुर्गा की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण, कोई गणेश, पर देखिए बेसिकली ना पूजा दो ही प्रकार की है, एक साकार और एक निराकार।
तो साकार मतलब जो वृंदावन में हो रही है, जो तिरुपति में हो रही है, उडुपी हो रही है, वहाँ पे भगवान नारायण कृष्ण की पूजा हो रही है, और जहाँ पे निराकार जैसे शैवाइट से निराकार पूजा कर रहे हैं, पर निराकार पूजा से भी साकार नारायण की प्राप्ति हो सकती है, और साकार नारायण की पूजा से निराकार ब्रह्म की पूजा हो सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। अगर आप भागवतम, एक भागवतम है वहाँ पर सनातन गोस्वामी लिखा है कि अगर आप निराकार पूजा करके आप ब्रह्म में पहुँच गए तो ब्रह्म से भी बहुत भक्त वैकुंठ लुक जाते हैं। ब्रह्म जो है वो एक लाइट है, वहाँ से भी आगे जा सकते हैं। मतलब ये तो खैर अब डिफिकल्ट चीज़ है, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं आप। निराकार आप शैवाई बन जाइए बहुत अच्छी बात है, वैष्णवाई बन जाइए बहुत अच्छी बात है, हमने कोई झगड़ा नहीं है। क्योंकि ये करेंगे तो वो हो जाता है, वो करेंगे तो वो हो जाता है। गणेश जी भी अल्टीमेटली गणेश की पूजा करने से निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये सब चीज़ है। अपने बेसिकली अपने यहाँ क्या है, वैष्णवाइट्स शैवाइट्स शाक्त जो दुर्गा की पूजा करते हैं वो शाक्त बोलते हैं, गणेश की जो पूजा करते हैं वो गणेश का दुर्गा, और एक और है। तो ये जो है ये सबकी पूजा कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। जैसे हम लोग हैं चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण के अवतार थे, वो जब साउथ इंडियन ट्रिप में गए थे वो सबके मंदिर में जाते हैं, तो दुर्गा के मंदिर में, गणेश के मंदिर में, सब मंदिर में जाके। और अब यो अगर आप और भी देखें तो योगी मतलब गोपियों ने पूजा की थी, कात्यायनी महामाई महायोगी अधीश्वरी नंद गोप स्वतंत्र देवी पति बिल्कुल नमः। तो गोपियाँ तो भगवान कृष्ण की बहुत अच्छी भक्त थी, उन्होंने दुर्गा की पूजा की, उन्होंने गोपियों ने दुर्गा की पूजा की और ये कहा कि हमको कृष्ण पति के रूप में मिले। पति के रूप में मतलब तो प्रोटेक्टर, ऐसा नहीं कि जिसे हम लोग पति समझते हैं कि मतलब कृष्ण की प्रोटेक्ट करें। तो ये हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। ये झगड़ा जो है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, जैसे अभी मैं देखता हूँ कि जैन लोग हैं, जैन और हिंदू जैन कौन है, ऋषभ देव जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनके डिसेंडेंट्स हैं। तो भगवान बुद्ध कौन है, भगवान में भगवान नारायण के अवतार हैं। तो हम में जैन में बुद्ध में सिख कौन है, हिंदू लोगों को बड़े लड़कों को ले लिया, उन्होंने भी निराकार गुरु करके निराकार पॉलिसी पूरी भगवत गीता है उसमें, तो कोई फर्क हमारे ईस्टर्न रिलीजन में हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म और ये सिखिज्म कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसीलिए हम लोग कहते हैं एको सत्यम मिथ्या बोधम, अलग अलग रास्ते हैं, हमको राइट टर्न जाना है। हम कहीं यहाँ से गढ़ा से जाएंगे, हम कहीं घूम के गोरखपुर से जाएंगे, हम आधारताल से जाएंगे, पर जाएंगे भी राइट टर्न, ठीक है ना। तो कोई भी रास्ता लीजिए आप पहुँचेंगे वहीं। तो जब भी इज्म की बात आती है, बुद्धिज्म जैनिज्म और हिंदुज्म, उसमें सबके अपने अपने मतलब मत होते हैं और उनके फॉलोअर भी उसी के अनुसार होते हैं। वास्तव में धर्म क्या है? वास्तव में धर्म है भगवान की सेवा। अगर आप बुद्ध भी भगवान का इंकार्नेशन है, बुद्ध की सेवा कीजिए। सेवा कैसे करेंगे, उनका जो विग्रह है, तो जैसे हम लोग पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उनको फूल लेते हैं, उनको फल देते हैं, उनको भोग देते हैं, यही सेवा है, उनका नाम लेते हैं। भगवान कृष्ण की हम पूजा कैसे करते हैं, वो हम सेवा करते हैं, उनको अपना हम उनको भोग लगाते हैं, उनका नाम करते हैं, उनको उनकी वंदना करते हैं। तो ये हो गया कृष्ण की, तो जिसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। एक प्रश्न के उत्तर के दौरान आपने कर्म के बारे में बात की थी, एक प्रश्न आ रहा है कि कर्म को कैसे माने हम, क्योंकि हमने अगला जन्म तो देखा नहीं है और होगा भी नहीं, ये हमें कैसे पता चले। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसके लिए फिर आपको ना मतलब फिर वही बेसिक में कि स्क्रिप्चर शास्त्र जो है इज द वर्ड ऑफ गॉड, आप इसको इसमें नहीं जाएंगे। क्योंकि मैंने फिर बता दिया कि शास्त्र आप पढ़ेंगे तो शास्त्र में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो अभी हमको पता चल रही हैं, वो बहुत पहले से मालूम है। शास्त्र में लिखा है कि भू जो जमीन है गोल है, वो अभी हमको पता चला। शास्त्र में लिखा गया है कि सात द्वीप हैं पृथ्वी में, हमको पहले मालूम था पांच अमेरिका, अभी हमको पता चला। फीचर बच्चे का कैसा डेवलपमेंट होता है, शास्त्र में लिखा हुआ है। तो शास्त्र जो है वो वर्ड ऑफ गॉड है। अब एक्चुअली हम लोगों को जब ये शरीर मिलता है तो हमें चार डिफेक्ट आ जाते हैं। क्या चार डिफेक्ट हैं कि वी मेक मिस्टेक्स,
हमें हम गलतियां करते हैं, चाहे हम चीफ मिनिस्टर बन जाए, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चाहे आईएएस बन जाए या जो भी बन जाए, हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो वी मेक मिस्टेक्स। दूसरा क्या है, हमारी इंद्रियां, हमारी आँख, हमारे कान सब लिमिटेड हैं, हम ज़्यादा दूर देख नहीं सकते, ज़्यादा सुन नहीं सकते। नंबर थ्री, वी फॉल इन इल्यूजन, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। हम जब एक रॉड पानी में डालते हैं तो पानी रॉड दृश्य दिखती है, पर एक्चुअली दृश्य होती नहीं है, वो दृश्य दिखती है हमको। और चौथा एक जो है ना, हमें बहुत ईगोइज्म है, हमको लगता है कि हम ही जो सोच रहे वो करेक्ट है, ये डिफेक्ट है, हमको लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही करेक्ट है। तो ये जो चारों डिफेक्ट हैं, शास्त्र में नहीं है, भगवदगीता में नहीं है, भगवदगीता में ये भगवदगीता में कोई मिस्टेक्स नहीं है। भगवदगीता में कोई भी पास में क्या हुआ, भगवान ने तो कहा 20 लाख साल पहले मैंने विवस्वान को भगवदगीता बताई थी, तो सही थी, क्योंकि उनको पास का ही मालूम है, हमको नहीं मालूम। आँख हमको थोड़ी दूर दिखती नहीं है, हमको थोड़ा सा दिखता नहीं, हमारी नाक बहुत कम, हमारे से नाक से तो दिखते कि नाक बहुत अच्छी है। तो ये सब डिफेक्ट जो हमें हैं शास्त्र में, भगवदगीता में डिफेक्ट नहीं है, इसलिए हमको शास्त्र को ही मानना पड़ेगा। अगला प्रश्न ये आ रहा है प्रभु जी कि हमारे जीवन में गुरु का प्रवेश कैसे हो, गुरु कौन है और हम कैसे चयन कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब भगवदगीता बार बार कह रहे हैं, भगवदगीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, पर क्या है कि ये बिना गुरु के पढ़े आपको अच्छे से समझ में नहीं आ सकता। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जैसे आप मेडिकल कॉलेज नहीं गए और आपने सब किताबें खरीदी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये सब खरीद लिए, घर में 2-3 साल पढ़ ली। अब आपको पढ़ने के बाद में आपको MBBS की डिग्री दी जाएगी, आपने लॉ की किताब सब पढ़ ली, आपको नॉलेज है, आपको कोई लॉयर कहेगा, वकील कहेगा, नहीं कहेगा। आप जब तक किसी गुरु के अंदर नहीं जाएंगे, आप उनसे सीखेंगे, आपको एग्ज़ाम होगा, आपको डिग्री मिलेगी, तब जाके आप वो होंगे, लॉयर होंगे या वकील होंगे या स्पिरिचुअलिस्टली। क्या ये जो ज्ञान है, पढ़ना तो है पर अंडर बोनाफाइड गुरु। तो हम लोग जैसे गुरु के अंदर में, अब गुरु को आपको पता करना पड़ेगा कौन अच्छा है। गुरु जानने के लिए कि साधु गुरु और शास्त्रों को देखा जाता है कि आपका गुरु जो कह रहा है वो भगवदगीता में लिखा हुआ है कि नहीं, और अगर लिखा है तो दूसरा गुरु और क्या कह रहा है, तीनों मिलना चाहिए। जो आपके गुरु ने कहा वो दूसरे गुरु को भी कहना चाहिए और भगवदगीता में मिलना चाहिए, तभी वो सही बात कर रहा है, नहीं तो बहुत से इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकते हैं। तो आपको पता करना है कि उसको देखना है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, हाँ थोड़ा ऑब्जर्व करके देखना है कि जो बोलता है कि वो करता है कि नहीं। तो इसीलिए इस्कॉन में गुरु इस्कॉन में ईजी मिलते हैं, क्योंकि इस्कॉन में तो जो प्रॉपर कंडक्ट नहीं करेगा तो वहाँ पर GBC उनको निकाल देते हैं। तो हम लोग को वो सब झंझट करने की जरूरत है, हमारे यहाँ जो इस्कॉन में 80-100 गुरु हैं वो बोनाफाइड हैं, उनको नॉलेज है और उनका काम बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे साथ जितने भी डिवोटीज हैं कि प्रभु जी, हाँ एक लास्ट प्रश्न लेते हैं कि भगवदगीता में हर जगह पे गुरुदेव प्रभुपाद जी ने भक्ति को जोर दिया है, तो भक्ति तो नदी के किनारे, घर पे, किसी पुराने मंदिर पे भी बैठ के की जा सकती है, तो इस संस्था में, इस कौन संस्था में ऐसा क्या देखा है जिसके कारण बड़े बड़े मंदिरों, भव्य मंदिरों की आवश्यकता होती है। एक तो भक्ति, भगवान ने, भगवान कृष्ण खुद सत्य का है कि भक्त्या माम जानाति, वो कह रहे हैं कि ज्ञानी नहीं भक्त ही मेरे को जान सकता है। तो जब एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस भगवान की सेवा करना है, वैकुंठ धाम हमारा पर्पस क्या है, इस जीवन छोड़ के जब हमारा ये जीवन खत्म होगा तो हम भगवत धाम में जाएंगे, और भगवत धाम जाने के लिए हमको भगवान का नाम तो लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमारा एम वहाँ पे है कि हम वहाँ पे जाएं, भगवत धाम में जाएं। तो ये सब और आपके सवाल से पूछ बड़े मंदिरों की आवश्यकता पड़े। अब क्या है कि एम तो ये हो गया कि हमारा अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान का जो जिज्ञासा है, हमारा जीवन है, हमको पढ़ के गुरु के थ्रू ये सब करना है, ठीक है। और फाइनली हमको वैकुंठ धाम जाना है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। तो हमारा वहाँ पर जाएंगे तो फिर ये पुनर्मृत्यु और फिर
निकल जाएंगे और वहाँ पे भगवान जो है ना इटरनल नित्य लीला कर रहे हैं, हम भी उस लीला में चले जाते हैं और जिसमें फिर हमारा हमको फिर नीचे नहीं आना पाता है। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो मतलब इसको प्राप्त कैसे करना है, इसको हम ले आ जाएंगे या कोई और गुरु परंपरा में चले जाएंगे। भगवान के नाम का जाप कीजिए, भगवान की भोग लगाइए, भगवान के बारे में प्रार्थना कीजिए, उनके गाना गाइए, उनके जो भजन जो भी अपना तरीका, और गुरु गुरु का देना बहुत जरूरी है। और जो चार नियम हैं कि मांस मछली नहीं खाना है, नहीं करना, ये सब करना है, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आपको पहुँच जाएंगे। ये अच्छा एक सवाल, आपने तो बड़े मंदिर क्यों बनाते, तो ये जो है ना बड़े बड़े मंदिर, अब ये जो है ना प्रभुपाद को ये सवाल बहुत से लोग आपने संगमरमरी संगमरमरी जुहू का मंदिर बना दिया और ये इतना पैसा खर्च के सब, तो प्रभुपाद ने उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं तो ये पेड़ है उसके नीचे बैठ के आपको बता सकता हूँ, प्रवचन कर सकता हूँ, आप आओगे क्या वहाँ स्कॉन में? इसीलिए आ रहा है एजुकेटेड आदमी, क्योंकि साफ सफाई है, रेस्टोरेंट है, ये है वो है, क्या कहता है कभी कभी जैसे जूम में आधे लोग तो रेस्टोरेंट में चाट खाने आते हैं, पर चाट खा के फिर उनको थोड़ा शर्म लगती है कि चलो दर्शन भी कर लें, फिर दर्शन करने चले जाते हैं और फिर दर्शन करके जब राधा रमन के दर्शन करते हैं तो वो बार बार दर्शन करने से तो फिर काम हो जाता है। मैंने बनारस में एक टीचिंग सुनी थी, भगवान कह रहे हैं कि पुराना गाना है आपको शायद आए वो मालूम होगा कि आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा, तो आप रोज दर्शन करें भगवान से प्यार रहे। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार इस लाइन के साथ हम आज के प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को अगले इसके लिए स्थगित करते हैं, और ये निरंतर चलने वाला क्रम है, ये कभी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होगी, प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे, और प्रश्न खत्म इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि भगवान अनंत हैं, तो उनसे रिलेटेड हमारे प्रश्न जो है दिमाग में हमेशा आते रहेंगे। हम प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे कि अगले सेशन में भी हमें इन प्रश्नों के और शंकाओं का हमारे समाधान हो ताकि हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। माया टीवी का ये प्रयास था आप तक ये जानकारी पहुँचाना कि भगवान के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप सत्संग में रहिए, एसोसिएशन में रहिए, मंदिर आइए, मंदिर के कार्यक्रमों में हिस्सा लीजिए, यही आपसे अनुरोध है। और थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। अभी आरती के लिए हो गई है, अरे एक घंटा खत्म हो गया। अब सब लिए है ना पूरा? अच्छा, हरे कृष्णा।